दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी। एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन करके बुलाया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का खौफ बहुत है भाजपा को, उन्हें रोक नहीं पा रहे किसी भी तरीके, तो अब ये पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और समन देकर बुलाया जा रहा है, आखिर में चाहती क्या है विपक्षी पार्टियां? भाजपा चाहती है कि क्योंकि वो दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री महिलाओं को बस यात्रा या फिर फ्री शिक्षा या फिर फ्री स्वास्थ्य या फिर 24 घंटा मुफ्त बिजली या फिर मुफ्त पानी, ऐसी सुविधाएं भाजपा किसी भी और प्रदेश में नहीं दे पा रही और चाहती है कि दिल्ली वालों की भी ये वाली सुविधाएं रुक जाएं। तो ये भाजपा लगातार हमारे काम रोकने का प्रयास करती है और कुछ नहीं। यानी आप लोग मानकर चल रहे हैं कि जो भी हो रहा है सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है? बिल्कुल, सारी स्क्रिप्ट भाजपा दफ्तर में ही लिखी जाती है, तभी तो अभी तक कोई चवन्नी भी रिकवर नहीं हो पाई। आखिर डर किस बात का है? अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी को कैसे रोका जाए, क्योंकि अन्य पार्टियों की तरह जहाँ पर एक FIR करने से भी नेता टूट जाते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी हैं, हम नहीं टूटते, हम नहीं झूठते और कोई तरीका नहीं मिल रहा भाजपा को। जिस तरह से ईडी ने अपना सिकंजा कसा है उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को शुरू से ही पता था, ये कोई आज से थोड़ी हो रहा है हमारे साथ। हम तो जब से हमारी पार्टी बनी है केस होते हैं, अरेस्ट होते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर साफ निकल के बेदाग निकल के आते हैं। सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाईएस्ट सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री देने को तैयार है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद पार्टी का क्या होगा, पार्टी कौन संचालित करेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, ये पंजाब में भी है, गोवा में भी है, दिल्ली में भी है, यहाँ ये पार्ट किसी भी कोई भी काम नहीं रुकेगा, सारे काम जेल से बहुत आसानी से हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता।